हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक लाइट हार्टेड हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है दे रिच। कहानी स्टार्ट होती है 1969 से। हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मार्क क्विनली को देखते हैं जो अपने बेटे एलेक्स के साथ कहीं जा रहे थे, बहुत हड़बड़ी में। उनके बातों से ये पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जो एलेक्स को काफी वियर्ड लगता है। वो सालों से मार्क को असिस्ट कर रहा है, लेकिन आज तक उसने कभी भी अपने पिता को इतना नर्वस नहीं देखा। इनफैक्ट मार्क तो अपनी गन भी अपने साथ लेकर आया है। एलेक्स समझ जाता है ये केस डिफरेंट है और शायद डेंजरस भी। कुछ देर बाद वो लोग एक घर के सामने जाकर रुकते हैं जहां एक लेडी फिलिस बेसब्री से उनकी राह देख रही थी। हमें पता चलता है उनका एक लौता बेटा 8 साल का माइकल पोजेस्ड है। पिछले कई दिनों से वो अजीबोगरीब तस्वीर बना रहा है, साइंस बना रहा है, जिनका मीनिंग काफी डार्क है। साथ में उसे नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं। फिलिस उन्हें घर के बेसमेंट में ले जाती है। हम देखते हैं माइकल की हालत सच में ही बहुत खराब है। उसके हाथ पैर बांध के रखना पड़ता है। मार्क अपने बेटे को इक्विपमेंट्स रेडी करने के लिए कहकर खुद उस बच्चे से बात करने लगते हैं। उससे पूछते हैं इन पेंटिंग्स का क्या मतलब है। तब माइकल उन्हें अपने सीने पर एक साइन दिखाता है और एक ही बात दोहराता रहता है, आई वोंट लेट हिम इन, मैं उसे अंदर आने नहीं दूंगा। अचानक उन्हें बेसमेंट के दीवार पर आग दिखती है और वहां खून से एक निशान बन जाता है, एग्जैक्टली जैसे माइकल के सीने पर था, द मार्क ऑफ द डेविल। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 1979 में, 10 साल बाद, सेम सिटी सेम प्लेस। हम डैनियल फैमिली से मिलते हैं, जॉन, ग्रेस और उनकी बेटी जेसिका। उनके बड़े बेटे स्टीवन की अभी अभी मौत हुई है। उसके फ्यूनरल से ही वो लोग लौट रहे थे। जेसिका अपने भाई को बहुत मिस कर रही थी, तो टाइम पास करने के लिए वो जाती है लोकल एक एंटीक स्टोर में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स कम पैसों में खरीदने के लिए। मगर वहां जाकर उसे कुछ चीजें पसंद आ जाती है जो उस दुकानदार ने फेंकने के लिए रखे थे। जेसिका को फ्री में ही मिल जाती है। वो उन्हें लेकर घर आ जाती है। हमें पता चलता है जेसिका अपने पिता जॉन की तरह एक टेक जंकी है। उसे पुराने गैजेट्स, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, जो वो अपने घर के बेसमेंट में करती है। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो जाती है अपने वर्कशॉप में। वहां जॉन ऑलरेडी कुछ काम कर रहे थे। इस बार जेसिका ने जिन चीजों को उठाकर लाई थी उनमें से उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, साथ में कुछ क्रीपी ड्राइंग्स भी, जिन्हें देखकर हम समझ पाते हैं ये वही ड्राइंग्स से जो माइकल ने बनाया था 10 साल पहले। जेसिका के आने पर जॉन उसे ये टेप रिकॉर्डर दिखाते हैं। इसका कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। जेसिका फोर्सफुल एक चाकू से इसे खोलने की कोशिश करती है, तो उसका हाथ कट जाता है, खून बहने लगता है, जिसके कुछ बूंद इस रिकॉर्डर पर भी गिरते हैं। जॉन ये सब नोटिस नहीं करते। वो जेसिका को लेकर ऊपर जाने लगते हैं उसका फर्स्ट एड करने, और कमरा खाली होते ही हम एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। इस रिकॉर्डर से खून निकलने लगा था। और उधर जेसिका के कमरे में किसी की विस्परिंग सुनाई देने लगती है। एक काला साया, एक डिमोनिक हाथ जेसिका के तरफ आगे बढ़ रहा था। उसका चादर भी खींच लेता है ये हाथ। जॉन को लगता है जेसिका किसी से बात कर रही होगी, मगर कमरे में तो और कोई नहीं था। नेक्स्ट डे हम जेसिका के साथ उसके दो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स को देखते हैं, सैम और चेडर। ये लोग स्कूल के किसी साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, द पोटैटो पावर्ड इलेक्ट्रिक लैम्प। ये जेसिका की आइडिया है, भले ही थोड़ी सी वियर्ड है मगर यूनिक भी। जेसिका इस पर काम करना भी शुरू कर चुकी है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि इसमें लाइट ज्यादा देर तक स्टे नहीं करता। इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने चेडर और सैम आए थे जेसिका के घर। बीच में सैम और जेसिका कुछ वक्त के लिए ऊपर जाते हैं, तो चेडर अकेले ही उन स्केचेस को देखने लगती है, और उसके अनजाने में ही वो रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। उधर जेसिका को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। वो और सैम भागकर वर्कशॉप में जा पहुंचते हैं। देखते हैं पूरे कमरे में अंधेरा हो चुका है और उनका प्रोजेक्ट गिरकर टूट चुका है। वहां चेडर भी खड़ी थी, तो ये लोग उससे ही पूछते हैं क्या हुआ। मगर जैसे ही चेडर उनके तरफ मुड़ती है, इन दोनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि चेडर बहुत भयानक दिख रही थी। वो खुद के चेहरे से ही स्किन को खींचकर अलग कर रही थी। सैम और जेसिका डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं, और तभी असली चेडर कमरे में एंटर करती है। वो तो वॉशरूम में थी, उसे तो पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा था, तो फिर यहाँ कौन था। जेसिका बहुत कंफ्यूज हो जाती है और दुखी भी। उसका प्रोजेक्ट जो बर्बाद हो चुका था, खैर इसे तो वो ठीक कर ही लेगी। लेकिन वो नोटिस करती है उसके हाथ पे जो घाव था वो स्प्रेड हो चुका था।
उधर एट द सेम टाइम जॉन के साथ भी एक बहुत ही अजीब हादसा होता है। वो घर लौट रहे थे तब अचानक एक सुनसान रास्ते पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रेडियो से किसी की विस्परिंग सुनाई देती है और जॉन को मिरर पे एक लेडी की परछाई दिखती है। कोई उसके कान में फुसफुसाता है, उसने दरवाजा खोल दिया है, वो मार्क्ड हो चुकी है, अभी सैक्रिफाइस की बारी है, रिवर्स इट। इन लास्ट वर्ड से जॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो किसी तरह घर लौटता है और अपने दोस्त चार्ली को बुलाता है, इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म करता है उसे। चार्ली एक पुलिस ऑफिसर है, वो इस इलाके को सर्च करता है मगर उसे ऐसी कोई लेडी नहीं मिलती। उन्हें लगता है जॉन ड्रंक था मगर एक्चुअल में तो वो लेडी फीलिस थी, माइकल की माँ। नेक्स्ट डे स्कूल में जेसिका नोटिस करती है उसके हाथ पे वो घाव और भी बड़ा हो चुका है। वो उतना ध्यान नहीं देती ना उसे पता है, मगर हम समझ पाते हैं ये वही मार्क है जो हमने माइकल के सीने पर देखा था। उसी वक्त जेसिका को अपने सामने एक लड़की दिखती है जो एग्जैक्टली उसी की तरह दिख रही थी, उसकी डॉपलगैंगर। जेसिका उसे बुलाती है मगर वो रुकती नहीं। जेसिका उसका पीछा करते करते बेसमेंट के एक अंधेरे कोने में जा पहुंचती है जहां उस पर फिर से वो काला साया हमला कर देता है। इस बार जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है, फॉर्चुनेटली चेडर उसे संभाल लेती है। उस तरफ उसके घर में कॉल करता है चार्ली। ग्रेस घर में अकेली थी, वो ही कॉल रिसीव करती है और चार्ली के बातों से हैरान भी हो जाती है। चार्ली का कहना था उनके नेबर्स ने कंप्लेन किया है डैनियल रेसिडेंस से बहुत जोर जोर की आवाज आ रही है, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। अजीब बात है, ग्रेस को तो कुछ सुनाई नहीं थी। वो फोन रख देती है और तभी ऊपर से किसी के फुटस्टेप सुनाई देती है उसे। ग्रेस को लगता है शायद जॉन वापस आ गया होगा, तो वो ऊपर जाती है चेक करने मगर उसके बाद हम उन्हें और नहीं देख पाते। कुछ देर बाद जेसिका घर आ पहुंचती है, अपने माँ को बुलाती है मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। जेसिका को घर में कदम रखते ही बहुत अनयूजुअल क्रीपी सा फील होने लगता है। फोन का रिसीवर जमीन पर पड़ा था, टाइपराइटर पे बस एक ही नाम टाइप किया गया था, जेसिका, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। किचन से आवाज आती है तो जेसिका उस तरफ ही जाने लगती है और देखती है उसकी माँ एक बूचर नाइफ से बहुत ही भयानक तरीके से मांस को चॉप कर रही थी। वो जेसिका को भी ऐसे देखती है ऐसे वो उसे भी वैसे काटने वाली हो, वो पोजेस्ड हो चुकी थी। जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और भागती है सैम के घर। उधर पुलिस को फिर से एक बार खबर मिलती है डैनियल रेसिडेंस से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। इस बार चार्ली और रिस्क नहीं लेता, वो खुद निकल पड़ता है घर की तरफ। जॉन को इन्फॉर्म किया जाता है, आधे घंटे के अंदर वो भी आ जाता है मगर उसे घर के अंदर जाने दिया नहीं जाता। पता चलता है पुलिस को ग्रेस की लाश मिली है, उनका शक है जॉन ने ही शराब के नशे में उसका खून किया है। तो वो लोग जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं, उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, पूछताछ की जाती है जेसिका के बारे में मगर जॉन को तो खुद नहीं पता वो कहाँ है। उधर इस सब से बेखबर जेसिका अपने तरीके से इस सब से डील करने की कोशिश कर रही थी। इतना तो वो भी समझ चुकी थी कि इस सब से इस मार्क का कोई कनेक्शन है, अभी ये मार्क बिल्कुल उस डेविल्स मार्क की तरह दिख रहा था। तो इसके बारे में पता करने जेसिका, सैम और चेडर जाते हैं लाइब्रेरी मगर वहां जो किताब उन्हें मिलती है उनमें कुछ भी काम का नहीं था। तभी उन पर नजर पड़ती है लाइब्रेरियन मेरी बेथ की, वो एक ऑकल्ट एंथुजियास्ट है। तो जब वो इस मार्क को देखती है उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो इन बच्चों को एक किताब देती है मिस्टर मार्क क्विनली की, इसमें इस मार्क के बारे में सब कुछ लिखा है, साथ में फोन के घर का एड्रेस भी देती है। भले ही अभी मार्क जिंदा नहीं है मगर उनका बेटा एलेक्स अभी भी उसी घर में रहता है, वो घर ज्यादा दूर नहीं था। तो उसी वक्त ये तीनों निकल पड़ते हैं एलेक्स से मिलने मगर जाने से पहले जेसिका चार्ली को कॉल करती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग लाइब्रेरी में आए थे, यहाँ पर उन्हें कुछ क्लू मिला है जिसे चेक करने वो लोग एलेक्स के घर जा रहे हैं, एलेक्स क्विनली के घर। मगर फोन में डिस्टर्बेंस के कारण चार्ली कुछ ठीक से सुन नहीं पाता, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कम्युनिकेशन में इंटरप्ट कर रही हो। चार्ली जेसिका को अपने घर लौटने के लिए कहता है जहां ऑलरेडी दो ऑफिसर्स मौजूद हैं। जेसिका ये सब सुन नहीं पाती, वो एलेक्स के घर की तरफ निकल पड़ती है और पुलिस स्टेशन में अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। एक ऑफिसर को टेबल के नीचे किसी की प्रेजेंस फील होता है, जब वो देखने जाता है तो कोई उसे अंदर खींच लेता है, उसका पूरा शरीर जैसे उस छोटे से टेबल के नीचे गायब हो चुका था। जॉन चिल्लाकर चार्ली को बुलाता है और वो जब चेक करता है तो उसे सिर्फ बहुत सारा खून दिखता है, जैसे कोई पिचकारी से ताजा खून उस पर डाल दिया हो। जॉन और चार्ली बहुत घबरा गए थे, वो समझ चुके थे इसमें कुछ तो एबनॉर्मल है, पैरानॉर्मल है,
वो लोग पुलिस स्टेशन छोड़कर भागते हैं। बाकी ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो क्राइम स्पॉट पर थे, मगर जब मौत दस्तक दे रही हो तो कोई वार्निंग काम नहीं आती। इन्हें भी अपने फोन की आवाज सुनाई नहीं देती, तो इस सबसे बेखबर इनमें से एक ऑफिसर जाता है घर के अंदर बाथरूम यूज करने। जब वो बाहर निकल रहा था, अचानक बिजली चली जाती है और कहीं से फोन की घंटी बजने लगती है। ये ऑफिसर आवाज को फॉलो करके वर्कशॉप तक जा पहुंचता है और वहां उसे कोई अंदर खींच लेता है। हमें सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती है और दरवाजे पर उसके खून के छींटे ऐसे गिरते हैं जैसे किसी ने उसके माथे को स्मैश कर दिया हो। दूसरी तरफ हम जेसिका को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ एलेक्स के घर पहुंच चुकी है, मगर जैसे ही सैम उसे उसके ही पिता के किताब दिखाकर उस मार्क का मतलब बताने के लिए कहता है, एलेक्स बहुत घबरा जाता है। पहले तो उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है, मगर बाद में अंदर बुलाकर उनसे सारी बातें सुनता है। वो समझ जाता है जेसिका कर्स्ड हो चुकी है। उस पर उसी डीमन का साया है जिसने 10 साल पहले माइकल को पजेस किया था, सैंगुवनियम डिमोनियम। उसके बातों से हमें पता चलता है 10 साल पहले उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था। उस दिन फिलिस ने उनके साथ साथ एक प्रेस्ट को भी बुलाई थी। वो प्रेस्ट माइकल को देखकर ही कह देते हैं कि बहुत लेट हो चुका है, ये ठीक नहीं हो सकता, इस डीमन को लाइफ चाहिए और एक वेसल। माइकल इसका वेसल बन चुका है, अगर इस डीमन से बचना है तो इसे पोजेस्ड हालत में ही मरना होगा। पहले कोई एक बच्चे को मारने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, मगर जब माइकल अपने माँ को ही मार डालता है और एग्जॉर्सिज्म के चलते प्रीस्ट पर हमला करने लगता है, तो मार्क ही उसे गोली मार के मार डालता है। बाद में चर्च उस जगह को क्लीन करता है, उनका सारा सामान ले लिया जाता है, मगर किसी को पता ही नहीं चलता उस दिन उन लोगों ने जो टेप रिकॉर्डर का यूज किया था उनमें माइकल का खून ट्रांसफर हो चुका है। इन अ वे वो डीमन भी माइकल से निकल के उस रिकॉर्डर में छुप गया था, जिससे वो रिकॉर्डर पोजेस्ड हो गया था, कर्स्ड हो गया था। अभी 10 साल बाद जब उस रात उस रिकॉर्डर पे जेसिका का खून गिरा तो वो मॉन्स्टर फिर से जाग गया, जेसिका को मार कर लिया। ये डीमन रूप बदल सकता है। जेसिका ने अपने जो डॉपलगैंगर को देखा है, चेडर को या फिर अपनी माँ को देखा, वो सब ये डीमन ही था। उसने अपना शिकार शुरू कर चुका है, जेसिका के आसपास के लोगों को मार रहा है। वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा है जिससे समय आने पर जेसिका को कम्प्लीटली पोजेस कर पाए। शायद इसीलिए फिलिस की आत्मा जॉन को वार्न करने आई थी, लेकिन जॉन समझ नहीं पाया। लेकिन अभी उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त वहाँ मेरी बेट आकर हाजिर होती है, साथ लाई थी और कुछ किताब जिस पर इस डीमन के बारे में लिखा है। वो कहती है ये डीमन नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक लाइट से डरता है और इसे खत्म करना इम्पॉसिबल है। टेम्पोरेरिली वापस भेजा जा सकता है थ्रू सम बैकवर्ड डोरवे, लेकिन ये डोरवे क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, सिर्फ ऐसा कुछ जो ब्लड से ओपन और क्लोज हो सकता है। वो लोग ये सब बातें कर ही रहते, अचानक कहीं से जोर की हवा चलने लगती है। बिजली तो पहले ही चली गई थी, अभी सारे कैंडल्स भी बुझ जाते हैं और वही डीमन फिर से एक बार उन पर हमला कर देता है, मार डालता है मेरी बेट को बहुत ही भयानक तरीके से, उसका सर काट कर। एलेक्स सभी को लेकर भागता है घर के बाहर, मगर वो डीमन जेसिका को खींच लेता है और जेसिका को बचाने के चक्कर में चेडर बेचारी फंस जाती है उस घर के अंदर। दरवाजा बंद हो जाता है और ऊपर के कमरे से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। जेसिका अपने दोस्त के बिना जाना नहीं चाहती थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो मार्क ट्वान है, उसे मरना चाहिए, उसे बचाने के लिए बेकार में कितने लोगों को मरना पड़ रहा है। उधर एट द सेम टाइम हम जॉन और चार्ली को देखते हैं। वो लोग जेसिका को ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी तक पहुंच चुके हैं। वहां उन्हें चेडर का बैग मिलता है जिसमें उनका वॉकी टॉकी था। उससे जॉन अपने बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस बार और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जेसिका उन्हें बता देती है वो लोग किस रास्ते पर है, मगर तभी अचानक गाड़ी अंदर से लॉक्ड हो जाती है और जेसिका पोजेस्ड होने लगती है। एलेक्स इस कंडीशन को जानता है, समझ जाता है सैक्रिफाइस का समय आ चुका है, जेसिका को मरना होगा। वो अपने पिता की ही तरह उसे शूट करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही ये डीमन एलेक्स को खींचकर अंधेरे में गायब हो जाता है। नेक्स्ट थी खुद जेसिका, उस पर भी ये डीमन हमला करता है, लेकिन लकीली उसी वक्त जॉन और चार्ली आ पहुंचते हैं। जॉन कुल्हाड़ी से इस डीमन का हाथ काट देता है और चार्ली गाड़ी का कांच तोड़कर सैम को बाहर निकालता है। वो लोग भागते हैं डैनियल रेसिडेंस के तरफ, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था वहीं पर खत्म होगा। जेसिका समझ चुकी थी वो डोरवे वो कर्स्ड रिकॉर्डर ही है, उसे ब्लड चाहिए और एक सैक्रिफाइस। वो लोग घर पहुंचते हैं मगर वो रिकॉर्डर कहीं नहीं दिख रहा था। सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं और तभी बिजली चली जाती है, विच मींस वो डीमन आ रहा है।
वो जॉन पर हमला भी कर देता है। अंधेरे में उसे प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए सैम उनका साइंस प्रोजेक्ट ऑन कर देता है। जेसिका ने इसे ठीक कर दिया है, लेकिन अभी भी एक डजन आलू से सिर्फ 5 मिनट ही जलता है ये लैम्प। ये ऑर्गेनिक लाइट है जिससे ये डीमन भाग जाता है, मगर अभी अगर उन्हें जिंदा रहना है तो और आलू की जरूरत है जो बाहर फार्म में रखा है। जॉन तो घायल था, तो चार्ली और सैम जाते हैं। जेसिका उन्हें एक छोटा सा लैम्प बनाकर देती है जिससे उन्हें सिर्फ 1 मिनट का ही वक्त मिलेगा। बहुत ध्यान से यूज करना है इसे। वो लोग कोशिश तो करते हैं मगर चार्ली खुद को बचा नहीं पाता। सैम पर भी हमला होता है लेकिन जेसिका उसे बचा लेती है। जल्दी से उस लैम्प को रिकनेक्ट करने लगती है और तभी उन्हें एक पोर्टल दिखता है जहां से तेज रोशनी निकल रही थी। उन्हें वो रिकॉर्डर भी मिल चुका था, तो जॉन खुद को सैक्रिफाइस करने की डिसाइड करता है। वो अपना हाथ काट के ब्लीड करता है उस रिकॉर्डर पर और उस पोर्टल के अंदर जंप करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। इससे वो पोर्टल तो क्लोज हो जाता है मगर वो डीमन नहीं जाता। वो सैम को भी मार डालता है। अभी तो वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है और अभी उसे मार्क्ड वन की सैक्रिफाइस चाहिए। वो जेसिका पर हावी होने लगता है मगर जेसिका हार नहीं मानती। एट द फाइनल मोमेंट वो अपने जख्म से मशीन पर खून डालती है और एक झटके में रिवाइंड बटन घुमाती है। खून के वजह से ये मशीन एक्टिवेट हो चुका था, तो ये बटन भी काम कर जाता है। सब कुछ सच में ही रिवाइंड होकर पहुंच जाते हैं पास्ट में, जब जेसिका उस दुकान से इस रिकॉर्डर को उठा रही थी, जब ये कुछ भी नहीं हुआ था, इवन किसी को आइडिया तक नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जेसिका तो जानती है वो और इस रिकॉर्डर को नहीं उठाती, तो ये सब कुछ भी नहीं होता। सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगते हैं, मगर हाँ, वो रिकॉर्डर जरूर रह जाता है अपने नए शिकार के खोज में। The end. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।